हेलो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2.9 फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मेटल सरफेस है जिस पर एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। फोटोन, फोटोन को हम एच न्यू भी लिखते हैं, और जब फोटोन इस पर स्ट्राइक करेगा, इस मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब फोटोन इस पे स्ट्राइक करता है तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, जिसकी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी। फोटोन की वेवलेंथ गिवन है लैम्डा इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन कैलकुलेट करो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, ई फोटोन कैलकुलेट करना है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पे लैम्डा गिवन है मीटर में, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एंगस्ट्रॉम में, एंड दैट विल बी 4000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट हो रही है 12400 बाय 4000, एंड वी आर गेटिंग 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो ये फोटोन स्ट्राइक कर रहा है उसकी एनर्जी कैलकुलेट होके आई है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, किसकी, जो ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन, इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब फोटोन स्ट्राइक करता है, इसकी अपनी एक एनर्जी है, और ये स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे वो वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी को यूज़ करता है, और रिमेनिंग एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एमिट हो जाती है। तो क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन और इक्वल टू वर्क फंक्शन, जो वर्क फंक्शन में एनर्जी यूज हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, ई फोटोन माइनस डब्लू, और ई फोटोन काइनेटिक एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी, ई फोटोन अपने पास है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस डब्ल्यू 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल है कि यही जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अपने को फाइंड करनी है, और वो कैसे फाइंड करोगे, काइनेटिक एनर्जी तो गिवन है, हम लोगों ने फाइंड कर ली है, तो सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि वी मीटर पर सेकेंड में होगा, दिस इज द एसआई यूनिट, सो काइनेटिक एनर्जी की भी जो यूनिट होनी चाहिए वो एसआई होनी चाहिए, एंड एसआई यूनिट कौन सी है, जूल होती है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो जूल में होनी चाहिए, बट ऊपर हमने जो कैलकुलेट किए वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो फर्स्टली वी विल कन्वर्ट इट इनटू जूल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू रूट वी, लिख दो रूट 2 KE/m। और जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2 काइनेटिक एनर्जी है 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। ये फॉर्मूला ऊपर दिया भी है क्वेश्चन में, याद भी होता है, और एम आएगा 9.1 × 10⁻³¹ kg, एंड द आंसर विल बी 5.8 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है उसकी वेलोसिटी है 5.8 × 10⁵ मीटर पर
सेकेंड।